हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैंने पानी रख दिया उबलने के लिए, और उसमें मैंने नमक डाल दिया है। पानी मेरा उबल रहा था तो उसमें नमक ले लिया है मैंने। उसमें आधी चम्मच चीनी ले लिया है, आधा चम्मच नमक था आधा चम्मच चीनी, और पानी में डाल दिया मैंने। मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई। तो उसके लिए मैंने उसमें हरी मटर ले लिया है, और देखिए मटर मेरा खूब अच्छे से उबल गया है। और चीनी डालने से कलर सेम रहता है, अच्छा ग्रीन उभर के आ जाता है कलर उसका। देखिए उस सेम पानी में, उसी पानी में मैंने मेथी डाल दिया है। पहले से धो के साफ करके पत्तियों को मैंने साफ करके रख लिया था, मेथी की पत्तियों को। आप लोग भी जरूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी थी। उसी पानी में मैं उबाल रही हूँ मेथी को। बस 2 मिनट हमें उबालना होता है, और चीनी डालने से कलर सेम ही रहता है। और इधर मैंने कढ़ाई ले लिया है, और कढ़ाई में मैंने प्याज ले लिया है, ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था। और आप लोग याद रखिएगा, रिफाइंड थोड़ा सा मैंने लिया था। और याद रखिएगा आप लोग कि हमें इसे भूनना नहीं है, सिर्फ पकाना है, इसका कच्चापन निकल जाए, हमें भून के लाल नहीं करना है इसे। और इसी में मैंने मिक्स कर लिया है काजू। एकदम लो आंच पे हमें इसे ढक के मैंने 2 मिनट के लिए इसे पका लिया था एकदम लो आंच पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोग चाहे तो उबाल भी सकते हैं पानी में प्याज और काजू को, बट मैंने तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसे पका लिया था। इधर मेरी ये भी उबल चुकी है। देखिए कलर एकदम सेम कलर है इसका, कलर चेंज नहीं हुआ। चीनी डालने से ही फायदा होता है, थोड़ा सा चीनी, अगर आप लोग नहीं चाहते तो चीनी इसकी भी कर सकते हैं, चीनी जरूरी नहीं है। सिर्फ मैंने कलर के लिए लिया था चीनी, थोड़ा सा मटर का भी और इसका भी, कलर दोनों परफेक्ट कलर आता है ग्रीन एकदम। और इधर मैंने पका लिया है अच्छे से 2 मिनट तक प्याज और काजू को। अब इसे निकाल रही हूँ। सेम कढ़ाई मैंने ले लिया है, उसमें अदरक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मैंने गर्म कर लिया था, और उसमें अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, और हरी मिर्च कट करके ले लिया है। तीनों को मिक्स कर दिया है साथ में ही। आप लोग जितना तीखा बनाना चाहते हो उसके लिए उतना हरी मिर्च डालिएगा। मुझे तो तीखी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तीखा मर्चा ले लिया है। हरी मिर्च ज़्यादा आप लोग चाहते हो स्किप भी कर देंगे, एक मर्चा भी डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। इधर मैंने पेस्ट बना लिया है काजू और प्याज का, और इधर भून लिया है मैंने खूब अच्छे से। उसमें काजू और प्याज का पेस्ट मिला रही हूँ, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा एक बार कि कैसी बनी थी। इधर मैंने मिक्स कर लिया है काजू और प्याज को, खूब अच्छे से भूनना है एकदम लो आंच पे हमें। पूरा मैंने मिक्स कर लिया है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कैसी बनी थी। मेरी तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी मेथी मटर मलाई। देखिए खूब अच्छे से मुझे भूनना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा काजू। काजू आप लोग जानते हैं कि कढ़ाई में थोड़ा सा चिपक जाता है, तो इसके लिए हमें लगातार भूनते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हमें तेज आँच नहीं करना है, बट लो भी बहुत नहीं करना है, मीडियम में रखना है आँच। देखिए खूब अच्छे से भून लिया है मैंने, कलर भी आप लोग देख सकते हैं चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें मिक्स करूंगी मैं पानी। पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, गाढ़ा करना चाहते हैं तो गाढ़ा, नहीं तो थोड़ा सा कम, बस बट वैसे तो गाढ़ी ही रहती है।
मेथी मटर मलाई तो आप लोग जानते हैं गाढ़ी रहती है, पतला नहीं अच्छा लगता। पानी ले लिया है मैंने इसमें, इसे अच्छे से उबालने दूंगी, ढक के उबाल लूंगी। ज़्यादा पानी तो लिया नहीं इसलिए तुरंत ही उबाल आ जाते हैं। देखिए उबलने लगा है तुरंत ही, मैंने ढक दिया है एक मिनट के लिए उसे। और इधर मैंने कट जो निकाल के रखा था मेथी उबाल के उसे कट कर रही हूँ, उसे कट कर लूँगी अच्छे से। देखिए मटर एकदम ग्रीन ग्रीन है, इसमें मटर मिक्स कर दिया मैंने, अब मेथी कट करके डाल दिया है। हाथ से दबा के आप लोग पानी भी निकाल सकते हैं इसका मेथी का, कि मेथी में पानी ना रहे। मैंने तो ऐसे ही काट दिया था। तो और व्हाइट आएगा अगर आप लोग दबा के पानी निकाल देंगे इसका तो। बस देखिए एक चीज बचा है भी, मुख्य इंग्रेडिएंट इसका, और तो सब तैयार ही है। खूब अच्छे से उबल रहा है। इधर मैंने ताजी मलाई ले ली थी, फेंट लिया है मलाई को मैंने खूब अच्छी तरह से। उसे मिक्स कर दूंगी सब्जी में, क्योंकि मेथी मटर मलाई में मेथी था मटर था, अभी तो मलाई पड़ा ही नहीं था, मलाई अब ले लिया है मैंने। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को मेरी एक बार। देखिए उबलने लगा है खूब अच्छी तरह से, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ऐसा गरम मसाला ले लिया एक चम्मच मैंने, छोटी चम्मच से। नमक ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नमक तो हमें लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि मलाई है इसमें तो मलाई फटने का चांस रहता है, इसलिए नमक को हम लास्ट में ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद मैं निकाल रही हूँ, देखिए खूब अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा बना था मेथी मटर मलाई। जिसने भी खाया वाह बोल रहे थे सभी लोग घर में, बहुत अच्छा बना था। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को मेरी एक बार। बाय दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।